नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षा भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों, आपको बता दूं 1500 पद बढ़ोतरी हो सकती है और नई रीट की 19000 पदों पर घोषणा को लेकर भी आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लेना। साथ में दोस्तों, अगर आप अपने चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस चैनल पर दोस्तों आगे भी अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आंसर की को लेकर। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोस्तों लाइव आए थे दोस्तों, और फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान पर उन्होंने बताया कि नई रीट भी आपको 19000 पदों पर 2023 में देखने को मिल सकती है। इसकी दोस्तों घोषणा अभी से कर दी गई है, यानी कि 23 नहीं तो 24 तक ये भर्ती हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जनवरी 2023 में आपकी मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद पात्रता परीक्षा आपकी अपडेट है कि हर साल हुआ करेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपकी सीटेट परीक्षा होती है, उसी प्रकार से रीट परीक्षा का आयोजन भी आपका हर साल हुआ करेगा, ताकि जो पात्रता है वो सभी छात्रों को मिल जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी और इसमें नकल को भी रोका जा सके। हालांकि अब इसमें आपको पता होगा बैठे ही नहीं जोड़ा जाता है पात्रता एग्जाम का। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो 15000 पदों पर भर्ती के बाद भी लेवल वन के 19000 पद अभी भी खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 19000 अभी भी पद अभी खाली हैं। आपकी जो 15000 पदों पर पहले भर्ती हो चुकी है, 15500 और 40500 में से दोस्तों 15000 पद और हैं, इन पर भर्ती हो जाएगी जनवरी तक। इसकी दोस्तों एग्जाम हो जाएगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान की जो रीट पात्रता परीक्षा है, इसकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो अगस्त के अंत तक जारी हो जाएंगे नतीजे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के अंत तक आपके नतीजे घोषित हो जाएंगे रीट की आंसर की। आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर 8 से 9 अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगी। सोमवार की अपडेट आ रही है कि सोमवार को बोर्ड आंसर की जारी कर सकता है। तो आंसर की आने के बाद आप सभी छात्र उसमें नंबर मिलान कर सकते हैं। हालांकि अभी नंबर मिलान कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों आंसर की आने के बाद 2 से 3 नंबर का अंतर आ जाता है, या तो कम हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में रिजल्ट की भी जो रिजल्ट तैयार हो रहा है दोस्तों, उसमें नॉर्मलाइजेशन की भी छात्र मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। इसको लेकर भी बोर्ड सोमवार को कोई नोटिस जारी कर सकता है, या फिर आज देर रात को भी नोटिस जारी हो सकता है, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या फिर हो सकता है दोस्तों रिजल्ट के साथ ही फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा कि किस नॉर्मलाइजेशन का किस फॉर्मूले पर आपका रिजल्ट बनाया गया है। तो आंसर की का इंतजार है और नॉर्मलाइजेशन पर भी निगाहें बनी हुई हैं। 16 लाख बेरोजगारों की निगाहें टिकी हुई हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। प्रदेश में 4 पारियों में हुई है रीट। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो हार्ड पेपर शिफ्ट वाले स्टूडेंट पिछड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं, और जिनके पेपर अच्छा आया था, पेपर थोड़ा इजी आया था, उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में हार्ड शिफ्ट वालों की मांग है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, नंबर बढ़ने चाहिए। 23 तारीख की सेकंड पारी का सबसे हार्ड माना गया है, और इसमें अपडेट है कि दोस्तों आपके 7 से 8 अंक बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के, और 24 तारीख की सेकेंड पारी में भी दोस्तों 5 से 7 अंक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब देख रहा होगा बोर्ड नॉर्मलाइजेशन लागू करता है या नहीं करता है, और दोस्तों नई रीट भी आपकी जल्दी आएगी बोर्ड के द्वारा, इसकी दोस्तों जल्द ही घोषणा की जाएगी। और अभी पद खाली हैं दोस्तों, और इसमें जो भर्ती है 40500 की, इसमें अभी 1500 पद आपके लेवल 2 में बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट की पता नहीं है, लेकिन लेवल 2 में आपके पदों में बढ़ोतरी 100% होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।